यही कहो जिमें तुसी इस दा अर्थ रखते हो। 28 अक्टूबर 2021 दिन 28वां विश्वास दा ऐलान। मैं घोषणा करदी हाँ कि परमात्मा मेरे जीवन विच अलौकिक चीज़ां करदा है। मैं निडर प्रार्थनावां करदी हाँ अते वड्डियां उम्मीदां रखदा हाँ अते वड्डा विश्वास करदी हाँ परमात्मा उन्हां लुकवे सुपनियां नूं पूरा करदा है जो मेरे दिल विच डूंगे हन। जेकर कुछ वादे पूरे नहीं हुंदे तां मैं निराश नहीं होवांगा अते हार नहीं मन्नांगा। मैं दलेरी नाल प्रार्थना करदा हाँ कि परमात्मा हमेशा अपने आप नूं मजबूत दिखाउंदा है। मैं भरोसे नाल किरपा दे सिंघासन तक पहुँच सकता हाँ। परमेश्वर लई कुछ भी असंभव नहीं है अते मेरे लिए सब कुछ संभव है क्योंकि मैं प्रभु यीशु विच विश्वास करता हाँ। यह मेरा ऐलान है। दिमागी सेहत संबंधी विचार। ओह सब तो मैं जीवन अते भक्ति लई मंगदा हाँ। मसीह विच मैनू दिता गया है। चंगी सेहत अते शांति वाला जीवन हमेशा मेरा है। मैं अपनी जीभ दी सही वरतों करता हाँ अते मेरे विश्वास दा इकरारनामा ब्रह्म हकीकता पैदा करता है। मैं अपनी जिंदगी विच एक दिन भी बीमार नहीं होवांगा। बीमारी असफलता अते मौत मेरे इतिहास विच नहीं हन क्योंकि मैं मसीह यीशु विच एक नवी रचना हाँ। आमीन। मैं यीशु दे नाम ते जो मैं कहांगा रखांगा। मैं मजबूत हाँ, मैं तंदुरुस्त हाँ, मैं तन हाँ, मैं शक्तिशाली हाँ, मैनू नियुक्त किया गया है, मैं आज़ाद हाँ, मैं रब दा प्यारा हाँ, मैनू रब अते मनुख द्वारा पसंद किया गया है। मैं वो बोलता हाँ जो मैं वेखना चाहता हाँ, वह नहीं जो मैं वेखदा हाँ। मैं एक पक्का बीज हाँ, मैं अपने परमात्मा दे घर विच चंगी जमीन ते लगाया गया हाँ। मैं अपने प्रभु दे दरबारां विच हथेली दे रुख नूं पसंद करदा हाँ। मैं इस दे सीजन विच बहुत ज़्यादा फल देंदा हाँ। मैं रस दा पूरा हाँ अते प्रभु विच हरा हाँ अते पुरानी उम्र विच भी मैं ताज़ा अते फ्लोरिशिंग करांगा। जो भी मैं यीशु दे नाम विच पेश करदी हाँ चीज़ां हमेशा यीशु दे नाम विच मेरे लिए काम कर रहियां हन। मैं मसीह यीशु विच हर एक आत्मिक आशीर्वाद प्राप्त करन वाला हाँ। मैं एक आत्मा हाँ, मेरी आत्मा एक रूह है। मेरी आत्मा अते मेरी रूह एक शरीरिक शरीर विच जिउंदी है। मेरी आत्मा मेरी रूह नूं हुक्म दिंदी है, मेरी रूह सुनदी है, प्राप्त करदी है अते मेरे शरीर दे आदेशां नूं निर्देश दिंदी है। यीशु दे नाम ते मैं मेरे शरीर नाल गल करदा हाँ। रब दा विनाशी जीवन मेरे जीवन विच हमेशा स्पष्ट अते प्रकट हुंदा है। मैं अपने शरीर दे हर वेरवे लई जीवन दी गल करदा हाँ। मैं अपने दिमाग नाल गल करदा हाँ। द क्राइस्ट दे दिमाग दी तरह संपूर्ण बनो अते मैं तुहानू परमेश्वर दे वचन द्वारा एक सार होण दा आदेश देंदा हाँ। मैं अपने नसा अते नसा नाल जीवन बोलदा हाँ। मैं अपनियां मांसपेशियां अते लिगामेंट्स नाल ताकत बोलदा हाँ। मैं अपने दिल नाल जीवन शक्ति बोलदा हाँ। मैं अपने फेफड़ियां अते टीशुआं नाल आम हवादारी अते परफ्यूजन अनुपात बनाई रखने लई गल करदा हाँ। मैं अपने गुरदियां जीगर अते पाचक रोगां लई संपूर्णता बोलदा हाँ। मेरे खून दे हर सैल विच जीवन है। मेरियां हड्डियां जोड़ां ते उपास्थि इकसार अते मजबूत हन। मेरियां उंगलां वधिया ढंग नाल काम करदियां हन। मेरियां अखां स्पष्ट रूप विच वेखदियां हन अते मेरे कान वधिया ढंग नाल काम करदे हन। मेरी चमड़ी एक नवजम्मे बच्चे अते रब दी सुंदरता दी तरह मुलायम अते सेहतमंद है। मेरे वालां दे रोम घस गए हन। मेरे दंद मसूड़े जबाड़े दियां हड्डियां अते नसां अते खून दी सप्लाई सारे सेहतमंद मजबूत अते संपूर्ण हन। मेरे सारे हारमोन्स अते न्यूरोकैमिकल ट्रांसमीटर एक दूजे नाल संपूर्ण तालमेल विच हन अते अपने कम्मां नूं आम तौर ते चलांदे हन।
मेरी पाचन प्रणाली सारे खाद पदार्थां नूं हजम करन, सोखन अते ग्रहण करन दे योग है अते पाचक रहंत खुंद उत्पाद नियमित तौर ते बाहर कढ़े जांदे हन। मेरी प्रजनन प्रणाली लोड़ींदी मात्रा ते चंगी गतिशीलता वाले शुक्राणुआं दा उत्पादन अते जमा कर रही है। मेरी प्रजनन प्रणाली समय सिर अंडे दे सैलां दा उत्पादन कर रही है, गर्भस्थ शिशु नूं जन्म तक बचाउंदी अते पोषण देंदी है। हर अंग मेरे शरीर दा हर टिशू संपूर्णता विच काम करता है जिस दे लई परमात्मा ने इस नूं काम करन लई बनाया है अते मैं अपने शरीर विच किसी भी खराबी अते विगाड़ नूं वर्जित करता हाँ। मेरा सारा मनुखी शरीर अते विज्ञान मसीह यीशु विच संपूर्ण है। हालेलुया, आमीन। पिता मैनू प्यार करता है, मैं जानता हाँ। रब दा पुत्तर मैनू प्यार करता है, मैं जानता हाँ। परमात्मा मैनू प्यार करता है, मैं जानता हाँ। शलोम।